आज के कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करके आज बैठक प्रारंभ हुई। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम दिया है, इसको मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाए, आज कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है। और तिरंगा यात्रा भी साथ में निकलेगी, 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे और सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। नई पीढ़ी में यह एहसास होना चाहिए कि स्वतंत्रता हमको बहुत सारे बलिदानियों के कारण प्राप्त हुई, तो उन बलिदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपना आदर समर्पित करते हुए हम इस 15 अगस्त को मनाएंगे। और जितने भी क्रांतिकारियों की प्रतिमा है उनको सजाना, उनको धोना, अभी जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लोकतंत्र के सेनानी, उनका सम्मान करना, ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे और साथ में राखी का उपहार 250 रुपए और मिलेगा, इस प्रकार 1500 रुपए मिलेंगे। और इसमें सरकार का लगभग 1900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। हमारे जितने भी आदिवासी छात्रावास से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रावास हैं, ये छात्रावास की सुविधाएं अपग्रेड हों इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। एक कुछ अधिकारियों की टीम बनाई और सारे प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के छात्रावास हैं उनकी सुविधा अपग्रेड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके रिपोर्ट भी मंगाएंगे और उसके उसके लिए बजट से उनकी राशि भी प्रदान करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही शपथ ली थी और शपथ के बाद किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती सीमांकन नामांकन, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी, उसको पहले उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इस बार फिर 1 महीने का समय दिया है। और बहुत सारे नामांकन बंटवारे के जो प्रकरण है वो एकदम निराकरण हो रहे हैं। अब साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय हो गया है। अभी तक नामांतरण की प्रक्रिया में बंटवारे की प्रक्रिया में 75 दिन लगते थे, जैसे ही साइबर तहसील पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी ये 25 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की थी संदीपनी आश्रम में और मध्य प्रदेश से उनका बड़ा रिश्ता है, यहीं पर सुदामा जी की और उनकी मित्रता के गाथा वो गांव भी हमारे उज्जैन जिले के अंदर ही है। और इसलिए जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाए और इसके लिए जनता से भी आग्रह किया है, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया और कई स्थानों पर शासन में भी कार्यक्रम होंगे जन्माष्टमी पर, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इच्छा प्रकट की है। रक्षाबंधन पंचायत स्तर तक हो, हमारी बहनों के बीच में जाएं हम और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, आपस में एक दूसरे के चर्चा के माध्यम से सुख दुख का बंटवारा करें और रक्षाबंधन में बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, आप सभी जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हुई थी 25 जून को जब आपातकाल लगा था और सारे देश को जेल बना दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ये सब लोग जो आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं उन लोगों ने ही प्रजातंत्र की हत्या की थी। उस समय बहुत
पूरा देश जेल बन गया था और बहुत सारे उसमें से निरपराध लोग 24 महीने जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहे, उनको लोकतंत्र सेनानी के उसके नाम से सम्मानित किया गया था और उन्हें मानदेय भी दिया जा रहा है। अभी लगातार हमारे बीच में से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं तो उनके अंतिम संस्कार में 10,000 रुपये शासन देने का निर्णय लिया है और राजकीय सम्मान से उनके अंतिम यात्रा निकले, ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। देखिए हमारा प्रदेश एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार एक डायनेमिक तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तकनीकी आ रही नहीं, कभी किसी जमाने में आईटी का इतना उपयोग नहीं होता था, आजकल आईटी का उपयोग होता है, उस हिसाब से अब हमारे कार्य आवंटन में भी उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। अभी हमने अलग अलग विभागों के कार्य आवंटन की व्यवस्था को सुधारा है, परिवर्तन किया है, जिससे कि और तेज गति से काम हो सके। हमारा प्रदेश सुधारवादी प्रदेश है और हम तकनीकी का अधिकतम उपयोग कैसे करके एक पारदर्शी सरकार चला, जिसका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी में पारदर्शी सरकार का होना बहुत जरूरी है। तो ये तकनीकी के माध्यम से जो पारदर्शी सरकार चलाने का हमारा प्रयास है, जैसे मैंने कहा कि पहले कभी एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं, हम 15 पैसे ही पहुंचते हैं। अब 10 तारीख को 1900 करोड़ रुपए का बटन दबाएंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1900 करोड़ रुपए हमारी बहनों के खाते में पहुंच जाएगा। ये नई तकनीक का उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था, इसी दृष्टि से हमने कार्य आवंटन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अभी आप जानते हैं कि मैंने जैसे कहा कि नई तकनीकी, अब ई कैबिनेट, इसमें हम पेपरलेस व्यवस्था चाह रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था मतलब समझ लीजिए कि यह ग्रीन स्टेट की तरफ पड़ता हुआ हमारा एक कदम है, क्योंकि एक टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं और इसलिए कागज का उपयोग कम से कम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ई कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत हमने थोड़ा सा शासन के जो कार्य नियम है उसमें संशोधन किया है, जिससे कि ई गवर्नमेंट की गवर्नेंस ये हो सके। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए बजट एक बहुत प्रमुख होता है। हमारे यहाँ वित्त विभाग की 2 संस्थाएं थी, FMIS और EPAU, ये इकोनॉमिक पॉलिसी इनपुट देने का काम करती थी। कुल मिलाकर बजट अच्छा बने, बजट आधुनिक तकनीकी से बने और इसलिए दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक PMU के गठन का अनुमोदन किया है। इसमें हम पदों की संख्या का सृजन किया है, साथ ही कुछ इसमें एक्सपर्ट भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेंगे, जिससे कि बजट और अच्छा बन सके, आधुनिक बन सके, पारदर्शी बन सके, प्रोग्रेसिव बन सके और साथ में सरकार के बजट की व्यवस्था बनकर। कई बार हमें लोन लेना है, लोन लेने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां रखना है, ये सब गाइड करने का काम ये PMU करेगा वित्त विभाग। तकनीकी शिक्षा विशेषकर रीवा के लिए एक निर्णय हुआ, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 ही ब्रांच थी, वहां पर वहां कुछ ब्रांच बढ़ाई गई है, क्योंकि वहां अब हमने प्रदेश में भी हम सारे ही पॉलिटेक्निक और IT की एक बार फिर से समीक्षा करेंगे, जहाँ जिस प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है उस प्रकार की ट्रेनिंग देना। जैसे मैं बात करूँ अगर पीतमपुर की, पीतमपुर में ऑटो वाइल का क्लस्टर है, तो वहाँ पर ITI पॉलिटेक्निक में उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। रीवा की हम बात करते हैं तो रीवा में सीमेंट
इंडस्ट्री को सुना, इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या क्या, उस हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही जैसे विदिशा में हमारे यहाँ कुल मिलाकर टेक्सटाइल का हब बन गया है, तो टेक्सटाइल में क्या आवश्यकता है उस हिसाब की ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक में और ITI में दें। इस प्रकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के बजट में निर्देश दिए हैं। जेल, ये बात सही है कि जेलों में सुधार लगातार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि वहां पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बने, साथ ही उनकी कौशल कला उसके ऊपर भी ध्यान दें। सागर का आज बड़ा उल्लेख हुआ, सागर के हमारे केदी भाई बहुत अच्छा उन्नत कपड़ा बनाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइन से खरीदते हैं उनके यहाँ, और लगभग पूरे प्रदेश में जेल के कैदियों के द्वारा उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ भी हुआ है। हम उनको किस प्रकार जेल सुधार की योजना कर सकते, उसके लिए एक कमेटी भी हमारी, विशेषकर हम जेल के अंदर योगा अध्यात्म इसके ऊपर फोकस करेंगे और उनको तकनीकी शिक्षा भी देंगे, जिससे कि वे स्वयं का रोजगार कर सके, जेल का वातावरण सुधारे। इस दिशा में आज निर्णय लिया गया है, कुछ नई जेल भी बनाने का निर्णय हुआ है, नए जिले बने हैं, तो उनको वहाँ पर नई जेल बनाए, जैसे मैयर नया जिला बनाए, वहाँ पर एक जेल बनाने का निर्णय लिया, जैसे बुरहानपुर के अंदर एक जेल बनाने का निर्णय लिया, तो जेल की व्यवस्था भी सुधरे और वहाँ पर कैदियों के साथ उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी जब निकलने के बाद बाहर आए। दूसरा, ऐसे कई गरीब कैदी हैं जो छोटे छोटे दंड नहीं भरने के कारण जेल के अंदर है। बहुत ही संवेदनशील के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका पैसा हम भरेंगे और उन कैदियों को रिहा करेंगे, और साथ ही 15 अगस्त में भी अभी ऐसे कैदी जो ले चुके हैं जिनकी लंबी सजा हो गई, उनको भी मुक्त करने का निर्णय।